बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए बनाम महागठबंधन का मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ बदलाव की बयार है। तेजस्वी मंगलवार को जिले की त्रिवेणीगंज विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजद के प्रत्याशी संतोष कुमार सरदार के लिए वोट मांगे। चारों तरफ नारों की गूंज, इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जहां सभी में कोरोना का कोई डर नहीं, न ही निर्धारित दिशा निर्देश का ध्यान। सभा में भीड़ देख तेजस्वी यादव गदगद नजर आए। लोगों से खसाखस भरा पूरा मैदान पार्टी के झंडों से रंगा नजर आ रहा था। सभा में आए लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। मंच के सामने से हर युवा तेजस्वी को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता था। भीड़ से उत्साहित जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि उनके लिए महंगाई डाइन थी, अब भुजाई बन गई है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। त्रिवेणीगंज के विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई करके 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव नहीं, बेरोजगारी भगाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं दिया, बिहार को सिर्फ लूटने का काम किया गया है। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी संतोष सरदार को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि आंगनबाड़ी और जीविका दीदी का मानदेय दुगना करते हुए उन्हें नियमित किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देंगे, साथ ही किसानों के सभी ऋण माफ कर देंगे। वृद्धा विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए की जाएगी। अगर आपको गरीबों का हक दिलाना है, मजदूर किसानों की सरकार बनानी है, तो एकजुट होकर मतदान करें। यह तय हो चुका है कि त्रिवेणीगंज और बिहार की धरती से एनडीए और नीतीश जी की विदाई हो चुकी है। हम सभी अपने बुजुर्ग अभिभावक को पैर छू कर के प्रणाम करते हैं, माताएं बहनों को प्रणाम करते हैं और सभी नौजवान युवा साथियों को गले लगाने का काम करते हैं। आप सब लोगों जानते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी है। कितने नौजवान यहां बेरोजगार है, जरा हाथ उठा के बताएं कितने नौजवान है बेरोजगार। इतनी बड़ी संख्या, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को नजर नहीं आता है। देखिए, संतोष नौजवान है, संतोष सरदार अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इस बार पूरे बिहार भर में हमारे लोगों ने 23 से 24 टिकटें अति पिछड़े समाज को देने का काम किया है। महाविद्यालय मैदान में उमड़ी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। बैरिकेटिंग तोड़ तेजस्वी की ओर बढ़ती भीड़ को रोकने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग तेजस्वी के पास जा पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। सुपौल से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।